हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अमरजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल अमर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट पे कोई भी ऑर्डर मंगाने के बाद हम उसे रिटर्न करने हैं। रिटर्न करने के बाद अगर कोई भी हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगती कि हम उसे रिटर्न नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे कोई भी कैंसिल का ऑप्शन नहीं मिलता। तो दोस्तों, कैसे रिटर्न कैंसिल करेंगे वो जानेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने फ्लिपकार्ट पे। यहाँ पे साइड में थ्री डॉट के ऑप्शन में जाके माय ऑर्डर में जाने के बाद ये दिख रहा है मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट भेज दी है, लेकिन अब घर वाले बोल रहे हैं कि ये ठीक है, रहने दो, कुछ नहीं करना है आपको, चले जाना है नीड हेल्प। नीड हेल्प के अंदर जाने के बाद कोई सा भी एक चुन लेना है आपको। आई वॉन्ट टू नो द स्टेटस ऑफ माई रिटर्न रिक्वेस्ट। इसे ओपन करने के बाद आपको नीचे स्लाइड करते चले जाना है। नीचे जो आ रहा है कॉन्टैक्ट एस, सिंपली से ओपन करके आप कॉल लगा सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर, विद इन 1 मिनट कॉल आपको ये नंबर मिल जाएगा। कॉल चाहे कॉल कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, तो मैं कॉल लगाऊंगा। ये रहा फ्लिपकार्ट का नंबर, आप नोट कर सकते हैं 1800-208-9898। कोई भी सुझाव चाहिए या कोई भी परेशानी आती हो तो आप इस पर लगा के बात कर सकते हैं कस्टमर केयर से। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।